जान दे दूंगी पर घर वापस नहीं जाऊंगी, ये कहना है पश्चिम बंगाल से 1800 किलोमीटर का सफर तय कर अपने प्रेमी से विदिशा मिलने पहुंची एक नाबालिग लड़की का, जो बंगाल के दमदमपुर से 35 घंटे का सफर कर अपने प्रेमी से मिलने गंज बसुदा पहुंची। यहां पर उसका प्रेमी भी इंतजार कर रहा था। जानकारी के मुताबिक नाबालिग लड़की अपने साथ गहने और नकद भी लेकर आई थी। वहीं प्रेमी ने भी घर से 1,00,000 रुपए लेकर फरार होने की योजना बनाई थी, लेकिन नाबालिग लड़की के माता पिता को इसकी जानकारी लग गई और उन्होंने चाइल्डलाइन में शिकायत कर दी। काउंसलर दीपा शर्मा के मुताबिक बाल कल्याण समिति से जो आदेश उन्हें मिलेगा उसके बाद तय होगा कि बंगाल पुलिस या परिजन बच्ची को लेने विदिशा आएंगे या फिर उनकी टीम बच्ची को सकुशल उसके घर पहुंचाएगी। हमारी चाइल्ड हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1098 पर एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें गंज बासुदा से एक शिकायतकर्ता का कॉल आया, जिसने बताया कि उनको एक बालिका मिली है जिसकी उम्र करीब 15-16 साल बताई गई थी। तब हमारी बालिका के संबंध में जानकारी हमने ली, उसके बाद हमने कल रात में बालिका को गंज बासुदा में रुकवाया। उसके बाद आज हमारी चाइल्डलाइन टीम एवं एक्सेस टू जस्टिस कैला सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन की टीम गंज बासुदा गए और वहां जाकर बालिका से मिले तथा बालिका से काउंसलिंग के दौरान पता चला कि बालिका वेस्ट बंगाल की रहने वाली है। उसकी एक इंस्टा पे एक लड़के से पहचान हुई, जो लड़का गंज बासुदा के पास के ग्राम का रहने वाला बताया गया है एवं बालिका उससे प्रेम करती है और बालिका को उससे विवाह करना है। इस दौरान वह अपने वेस्ट बंगाल से भागकर यहां विदिशा आई है और फिर आगे आज हम बालिका को यहां विदिशा लेकर आए हैं और आगे की कार्रवाई के लिए हम बालिका को बाल कल्याण समिति में प्रस्तुत करेंगे। आगे की कार्रवाई बाल कल्याण समिति करेगी एवं बालिका से जानकारी लेकर हमने वेस्ट बंगाल की पुलिस को भी सूचित किया है। फिलहाल चाइल्डलाइन नाबालिग लड़की की काउंसलिंग कर रही है। विदिशा से विवेक सिंह ठाकुर की रिपोर्ट एमपी तक।